हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने स्नैपचैट ऐप को लॉगिन कर रहा था अपनी ईमेल आईडी के साथ। तो यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नीचे, वी कैन नॉट फाइंड एन अकाउंट फॉर दिस ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यानी कि ये मेरे स्नैपचैट अकाउंट को फाइंड नहीं कर पा रहा है इस ईमेल एड्रेस से, जो कि मेरा ईमेल एड्रेस यही है स्नैपचैट ऐप का। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है स्नैपचैट ऐप को लॉगिन करते समय ईमेल एड्रेस के साथ, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कैसे करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूं। ये देखिए मेरा स्नैपचैट का ऐप का ये पेज है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस पेज को आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको सबसे पहले अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो अपना प्ले स्टोर ओपन करके यहां पर जो यहां पे सर्च बार में आपको सर्च करना है स्नैपचैट। अब देखिए स्नैपचैट अगर आपका यहां पे ओपन लिखा हुआ दिखाई देता है तो ठीक है, अगर स्नैपचैट के नीचे अगर यहां पे अपडेट का कोई भी बटन दिखाई देता है तो अपडेट पे टैप करके स्नैपचैट को अपडेट कर लेना है पहले। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्नैपचैट अपडेट नहीं होता है, जिसके कारण भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों एक आखिरी काम आपको ये भी करना है, आपके फोन में गूगल फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है। गूगल फाइल के इस ऐप में आपको नीचे एप्स का ये ऑप्शन है, इसे टैप करना है। अब यहां पे देखिए सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे टैप करना है। अब इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको जो है ना ये एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन ढूंढ के आपको इसे सिलेक्ट करना है, एंड्रॉइड सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपका ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे ये क्लियर कैच का ऑप्शन होता है, क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे देखिए कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हमारा एंड्रॉइड सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, जिसके कारण भी ऐप्स में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, अब देखिए इतना ये प्रोसेस करने के बाद आपको अपना स्नैपचैट ऐप ओपन करना है। अब नीचे की साइड देखिए लॉगिन का ऑप्शन, इसे टैप करना है और लॉगिन पे टैप करेंगे। अब देखिए यहां पर जो है मैं यहां पर जो है ना नीचे फॉरगोट पे आपको टैप करना है, फॉरगोट योर पासवर्ड पे टैप करेंगे। अब देखिए यहां पे पेज आता है, जो कि मैं अपने ईमेल के साथ यहां पे लॉगिन कर रहा था, अब मैं इसे ईमेल पे टैप कर लेता हूं। अब देखिए ये वही पेज आ चुका है और यहाँ पे मेरा जो ईमेल एड्रेस है यानी कि ईमेल आईडी थी, देखिए वही ईमेल आईडी है यहाँ पे। ठीक है ना, और दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी को थोड़ा सा स्टार्टिंग में हाइड कर रखा है सेफ्टी रीजन से। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों मेरी ईमेल आईडी देखिए वही दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आपको नीचे ये जो ऑप्शन है सेंड कन्फर्मेशन कोड, इसे आपको टैप कर लेना है। ठीक है, टैप करेंगे तो देखिए पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो अकाउंट फाइंड नहीं हो पा रहा था मेरे उस ईमेल एड्रेस के साथ, अब देखिए वो वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया और यहाँ पे नेक्स्ट पेज भी आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे को जो है दोबारा से ईमेल एड्रेस एंटर करना है, वही सेम आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने वही सेम ईमेल आईडी एंटर कर दिया। इसके बाद ये सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे टैप कर देना है। अब देखिए सबमिट पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ना एक और पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए वेरिफिकेशन का कोड आता है। अब ये देखिए मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ, इसे 2151100। ठीक है, अब मैं इसे कोड को एंटर कर देता हूँ, 2151100। अब मैं इसे सबमिट पे टैप कर देता हूँ और देखिए अगर आपका वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे रिसीव नहीं होता है ना, तो आप ये रीसेंट कोड पे आप टैप करके अपने वेरिफिकेशन कोड को दोबारा से मंगवा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें मैंने वेरिफिकेशन कोड को एंटर कर दिया। अब आपको सबमिट पे एंटर कर देना है। सबमिट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका एक और पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का चेक योर इनबॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन पे टैप कर देना है। ठीक है ना, देखिए लॉगिन पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन टू स्नैपचैट आता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और ईमेल आईडी या तो एंटर कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे हमारे को अपना कुछ भी जो है यहाँ पे इनबॉक्स में देखना नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना जो है ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। तो देखिए मैं ईमेल आईडी दोबारा एंटर करता हूँ, इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। इसे हमने ईमेल आईडी देखिए वही सेम एंटर करी है। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है ये पेज। अब यहाँ पर जो है ना आपको अपना पासवर्ड, जो कि आपका स्नैपचैट का पासवर्ड है, उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दबा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है एक और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आता है। अब मैं इसे 9421217, अब मैं यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ ये कोड एंटर। ये देखिए मैंने दोबारा से कोड एंटर कर दिया। अब आपको इसे नेक्स्ट का बटन है, इसे टैप कर देना है। नेक्स्ट पे बटन पे आप टैप कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ना स्नैपचैट ऐप जो है ये पूरी तरीके से लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा स्नैपचैट ऐप का ये जो है पेज आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा सुनील कुमार आ चुका है, सुनील टेकी नाम आ चुका है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको ये ओपन इन स्नैपचैट, इसे भी टैप करेंगे तो आपका स्नैपचैट ऐप ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैं दोबारा से यहाँ पर जो है ईमेल आईडी अपनी एंटर कर देता हूँ। ठीक है ना, लॉगिन करने के लिए ये देखिए मैंने ईमेल आईडी एंटर कर दिया, मैं पासवर्ड को भी एंटर कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने पासवर्ड। अब यहाँ पे लॉगिन पे टैप करना है।
तो देखिए यहाँ पर जो हमारा स्नैपचैट ऐप लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, अकाउंट फाइंड नहीं हो पा रहा है आपका ईमेल आईडी के साथ, तो दोस्तों इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,